बॉलीवुड में कई ऐसे बेहतरीन कलाकार हैं जिन्होंने जिस रोल से दुनिया भर में पहचान दर्ज की वही रोल उनके गले की फांस बन गया, यानी जिस रोल में उनके करियर को वरदान बनकर आया वही रोल उनके लिए अभिशाप बनकर रह गया। फॉर एग्जाम्पल अरुण गोविल का नाम ले सकते हैं, रामायण में उनके राम के किरदार को पूरे देश ने दुनिया ने सराहा, लेकिन बाद में यही रोल उनके खिलाफ इतना काम कर गया उनको दूसरे रोलों में काम नहीं मिला और फाइनली वो रिटायरमेंट के करीब पहुंच गए। आजकल छोटी मोटी फिल्मों में करेक्टर रोल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओ माई गॉड 2 में नजर आए थे और एक कश्मीर की क्रिकेट मूवी में भी आ रहे हैं। रामायण के अरुण गोविल की तरह एक किरदार और है जो किसी महान किरदार के नीचे खुद ही दबकर मर गया, उसका नाम है फिरोज खान। फिरोज खान ने महाभारत में अर्जुन का रोल प्ले किया था, अर्जुन के रोल के लिए दुनिया भर में पहचान मिली, इसके बावजूद फिरोज को कभी भी उस कैलिबर का काम नहीं मिला जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बाद में मजबूरी में विलन का रोल करना पड़ा अजय देवगन की मूवी जिगर में। जिगर में उनके रोल को बहुत सराहा गया लेकिन अर्जुन के किरदार से बहुत ज्यादा बिलो द बेल्ट वाला रोल था। हालांकि जिगर के बाद अर्जुन ने यानी फिरोज खान ने कभी भी अजय देवगन के साथ दोबारा काम नहीं किया और गुड न्यूज ये कि बहुत सालों बाद अब वो अजय के साथ काम करने जा रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा सुपर एक्शन ब्लॉकबस्टर मूवी में। एक्चुअली फिरोज खान का हाल में रिसेंटली इंटरव्यू आया है जहां पर वो कह रहे हैं कि मैं अजय देवगन के साथ एक एक्शन मूवी कर रहा हूं, अभी तक उसका नाम नहीं रखा गया। हालांकि इशारा इसी बात का कि सिंघम अगेन की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं रोहित शेट्टी इसको बनाने वाले हैं लेकिन सिंघम इस मूवी का नाम नहीं है। अब ये निर्माण कुमार मंगत कर रहे हैं तो हो सकता है दूसरी मूवी हो, लेकिन वो कहते हैं मेरा रोल बहुत ज्यादा केंद्रित है और बहुत ज्यादा खलनायक के रोल में नजर आने वाला हूं। उनकी खुशी इस बात पर भी झलकती है बिकॉज जिगर के बाद ये दूसरी बार होगा जब अजय के साथ खलनायक के तौर पर फेस ऑफ करेंगे। हालांकि वो जिगर के बाद अजय के साथ एक मूवी में और काम कर चुके हैं जिसका नाम था होगी प्यार की जीत, लेकिन तब उनको बहुत नोटिस नहीं किया गया। अब वो अजय देवगन के साथ रोहित शेट्टी की डायरेक्शन में बनने वाली एक्शन मूवी में अजय को फेस ऑफ करेंगे तो उनके कैरियर में बहुत बड़ा टर्नआउट हो सकता है बिकॉज अर्जुन को फिरोज खान को बहुत टाइम से पब्लिक ने देखा नहीं है, और अगर वो सिंघम अगेन में नजर आते हैं तब तो पब्लिक को बहुत जल्दी दिख जाएगा बिकॉज सिंघम अगेन की शूटिंग बमफाड़ तरीके से चल रही है। इसका क्लाइमेक्स ऑलरेडी हैदराबाद के रामोजी राव स्टूडियो में शूट हो चुका है जहां पर अक्षय ने, अजय ने, टाइगर श्रॉफ ने, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने और अजय देवगन ने सब ने अपने हिस्से का क्लाइमेक्स शूट कर लिया है। बाकी के सॉन्ग्स और प्री थॉट ऑलरेडी मुंबई के स्टूडियो में कंप्लीट हो ही रहे हैं। तो अर्जुन यानी फिरोज खान को अजय देवगन के साथ बहुत सालों बाद देखना अपने आप में काफी हद तक रिलीफिंग मोमेंट होगा और 90s के दिनों की यादें ताजा हो जाएंगी बिकॉज 31 साल के बाद जो ये फेस ऑफ है वो अपने आप में काफी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।